अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम किचन स्टूडियो। आज हम बनाएंगे बादाम कुल्फी। इसे आप फलूदा में भी डाल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें 1 किलो दूध। इसको बॉयल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कप खुश्क दूध। आधे कप दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके शामिल करना है। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इस तरह से इसको दूध में मिक्स करेंगे और चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करेंगे। अभी बाद में और भी अज्जा इसमें शामिल होने हैं, बाद में चीनी मज़ीद अगर शामिल करने की ज़रूरत हो तो चखने के बाद शामिल की जा सकती है। 10 से 12 बादाम पानी में भिगो के रख देंगे। 4 से 5 साबुत इलायचियाँ डालनी हैं। इनको साबुत इसलिए डाला है कि बाद में आसानी से इनको निकाला जा सकता है। अब शामिल करेंगे 4 चम्मच वनीला आइसक्रीम पाउडर के। अगर आइसक्रीम पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम पाउडर से टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको शामिल करती हूँ। इसको भी 1/2 कप दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके शामिल करेंगे और शामिल करते वक्त चम्मच मुसलसल चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। मिक्सचर गाढ़ा होने तक मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि जले नहीं, क्योंकि अगर दूध जल जाए तो इसका जायका बहुत ही ख़राब हो जाता है और फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इस तरीके से चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। देखें, अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसमें बबल बन रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये कुटे हुए बादाम ये भी अब इसमें शामिल कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ये मेरे पास कुछ सांचे हैं प्लास्टिक के, इस तरह के सांचे अगर आपके पास हों, या ये प्लास्टिक के कुछ कप भी हैं, इनको ऊपर ढक्कन लगा के बंद कर सकते हैं। तो इनमें फिलिंग करूंगी। आपके पास भी इस तरह के अगर कोई प्लास्टिक के ग्लास हों या फिर स्टील के ग्लास, उनमें भी बहुत आसानी से ये बन जाती है। 5 से 6 घंटे तक हम इनको फ्रीज करेंगे, मुकम्मल फ्रीज हो जाएगी। ये कुछ मटेरियल बच भी गया है, तो देखें कि तकरीबन टोटल 1.5 किलो दूध इस्तेमाल हुआ है और उसमें काफ़ी सारी कुल्फियाँ जो हैं ये तैयार हो गई हैं। ये देखें, फ्रीज होने के बाद ये इस तरह से बासानी सांचे से निकल आता है। इसको प्रेस करेंगे या इनकी बैक पे अगर हम पानी डालेंगे तो भी ये आसानी से निकल आएगा। वैसे अब गर्मियाँ हैं तो थोड़ी देर के लिए भी अगर हम फ्रीज़र से निकाल के रखते हैं तो ये बासानी कुल्फ़ी सांचे से निकल आती है। छुरी की मदद से इसको इस तरीके से काट लेंगे। ईद के मौके पे आप इसको अपने मीठे में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऊपर कुटे हुए बादाम से गार्निश करेंगे। मज़ेदार ठंडी ठार कुल्फी तैयार है। आप इसे फालूदा में भी डाल के इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।